कैसे कैसे हीरे जमीन खा गई। इस तस्वीर को अब हटा दीजिए बुआ यहां से। क्यों क्यों उतार दूं ये तस्वीर, इतनी खूबसूरत तो है। क्या फायदा भूली बसरी यादों को सीने से लगा के रखने का। बिटिया अब बचा ही क्या है इन भूली बसरी यादों के अलावा, ना वो हवेली रही, ना वो लोग रहे, न जाने किसकी नजर खा गई। नजर नहीं, शायद आह लग गई। हाय हाय, क्या तो हवेली में रौनकें हुआ करती थी। तुम्हारे अब्बा के दोस्त आते थे, बड़ी ही चहल पहल रहती थी, और तुम्हारी अम्मा की सहेलियां आती थी, और तुम्हारी और अरशद की छेड़छाड़ वो तो मैं भूल नहीं सकती। और वो तुम्हारा गाना बजाना, तुम्हारी सुरीली आवाज, और मैं कहती थी वाह वाह वाह, और तुम्हारी अम्मा चिढ़ जाती थी। तुमने तानपुरा तो बजाना ही छोड़ दिया, ऐसा लगता है तुम भूल गई सब कुछ। अरे अब हम अपनी पुरानी यादों को कैसे भूल सकते हैं। वो जमाना बुआ, लगता है कितनी पुरानी बात है। अम्मा अब्बा नहीं रहे, अशर जब से कनाडा सेटल हुआ है कभी कभार बात हो जाती है। चलो अल्लाह से खुश रखे। वो जमाना, लगता है जैसे सदियां बीत गई। बस रहने भी दो, तुम्हारे मुंह से ये बड़ी बूढ़ियों वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अपने आप को देखो, देखो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। क्या बात है, तुम जब से आई हो खामोश खामोश हो। कुछ नहीं वो, ऐसे सर में दर्द है मेरे। मैं टेबलेट ले आती हूँ। बुआ मैं कल छुट्टी कर लूँ? तभी ज्यादा खराब है। नहीं क्या बात है बिटिया, है? आप दवाई ला दे मुझे।
कहाँ हो तुम चले आ मोहब्बत का तकाजा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है गमे दुनिया से घबरा तुम्हें दिल ने पुकारा है कहाँ हो तुम्हारी बेरुख एक दिन हमारी जान ले लेगी कसम तुमको जरा सोचो कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें देखा तुम्हें चाहा कुसूर इसके सिवा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, मुझे नहीं पहचाना। जान भाई आपको कौन भूल सकता है, और मुझे तो हैरत है इतने सालों बाद आपने मुझे कैसे पहचान लिया। अरे आपको कैसे नहीं पहचानता, हमेशा आप मुझे अपने साथ खाना खिलाते थे। ये भी याद है आपको? और वो भी याद है, वो आपका दोस्त था, क्या नाम था उसका? अनीब खाबा। हाँ अनीब खाबा, हमेशा 10 रुपए की दाल लाता था बिस्मिल्लाह होटल से। क्या याद करा दिया, कमाल दिन थे। गुर्बत थी लेकिन अजीब सी याशी थी। पता नहीं वो होटल भी होगा या बंद हो गया होगा। होटल तो बंद हो गया है मगर फोका खुला हुआ जहाँ आप और सलमा बीबी चाय पिया करते। सलमा, और तुम मुझे वो भी याद है बॉल मारी थी जब पहला दिन था। कहाँ खो गए सिकंदर भाई? और याद है जब आपको प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी हुई थी, वो मैं ही था जो आपको ढूंढ रहा था और आपके दोस्तों ने आपको वहां छुपा दिया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। खुश रहिए आप, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे, मैं कॉलेज देखना चाहता। बिल्कुल ये बिल्कुल, मिलते हैं। Thank you.
फोबिया। खून देख के मुझे फोबिया होता। फ्लाइंग कॉकरोचेस फॉर मी। अरे यार। I can relate to it। मुझे पहले ये बोलना चाहिए। मैं मैंने बोल दिया। Sorry। Fine। favorite color? वैसे तो सारे but yellow। What do you mean all but yellow? Yellow or all? Happy yellow। Happy yellow कोई color नहीं होता। Happy yellow होता है? It's There's yellow and then shades to yellow, na? And then there is happy yellow. अच्छा चलो ठीक है fine. पूछो। डर? मुझे height से डर लगता है बाप। तुम तो खुद इतने लंबे हो। Ironic. What do you mean you are so tall? तुम इतने ऊंचे हो तुम्हें height से डर? Height से डर? मुझसे भी ऊंची-ऊंची चीजें हैं दुनिया में। इतना भी मैं लंबा नहीं हूँ कि तुम्हें इतना ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है। लाइक अच्छी हाइट कॉम्प्लीमेंट करती है। खैर तुम्हारा यू नो दिस फेलियर्स हिट देम आई विल चेंज दैट अबाउट यू। अच्छा खुशबू। खुशबू हाँ मोतिया के फूल योर्स बारिश के बाद मट्टी की खुशबू जो भी आने वाली है थोड़ी देर लास्ट यू विन यू विन। फेवरेट रिश्ता? माँ का। Common point. So, लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं था। Huh? I mean, I know that you're, you know, like, you miss your mom. Huh, I mean, yeah, I do. And I'm sure you also do that, right? Like. Mm-hmm. Yeah, I'm close to my mom and I miss her. I can't wait to meet her. I know you do. Got a phone out. Excuse me. Hello. नहीं डायर अभी भी वहीं पे हूँ नहीं आ सकती अभी बिजी हूँ बाद में बात करती हूँ वापस। सो वेयर वर यू? तुमने कभी अपने डैड का जिक्र नहीं किया मुझसे? कोई बात ही नहीं है जिक्र करने के लिए इतना मिलते नहीं है। To be honest, मैं भी कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालती। फेवरेट कंट्री? The country I live in, Pakistan. ख्वाहिशें रह गई पहुँच
कैसी रही तुम इतने अरसे? ठीक। और तुम? मैं भी। क्या करते रहे? आर्किटेक्चर। पहले लंदन में था, फिर बहरीन चला गया, अब वापस लंदन जा रहा हूँ। और तुम? मैं तो वही हूँ जहाँ पहले थी। आज तुम्हें यहाँ देखकर कॉलेज के वो दिन याद आ गए। याद है तुम्हें? सब याद। भूलता कौन है? बदल गई तुम। तुम भी बदल गए। वक्त बदल गया ना। पढ़ाती हूँ तो? वो तुम्हें मैंने इनवाइट किया। इनवाइट तो एक दफा पहले भी किया था तुमने और तुम नहीं आए थे। रोक दिया गया था। मुझे लगा कोई फायदा नहीं आने का, रुक गया। गलती की और सजा मैंने काटी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी कारकर्दगी की इतला हमें मिलती रहती है। आप हमारे लिए काबिल फख्र हैं और आज आप इस काम के लिए हमारे पास आए हैं। आपसे बेहतर हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑनर्ड। आप बहुत बहुत शुक्रिया है सब कुछ कहने का। आप आइए सर, बैठिए सिकंदर प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमारतों का हुस्न उनके दरो दीवार में नहीं होता, बल्कि उन यादों में होता है जो उन दरो दीवार के साथ वाबस्ता होती हैं। मेहराबें, दालान, झरोके, मोहब्बत, ताल्लुक, जज्बे, इमारतों का एक एक जाविया और उन जावियों के अंदर छुपी हुई बेशुमार यादें। इमारतों का एक एक जाविया और उन जावियों में छुपी बेशुमार यादें। ईंटों और पत्थरों का एक एक नक्श जैसे दिल पे लिखी तहरीर। मोहब्बत की दस्तावेज, बिछड़ने के अफसाने, बातें और खामोशियां तुम्हारे हुस्न के नाम। दिल का मुकम्मल जहां तुम्हारे हुस्न के नाम। वाह, आप तो शायर हैं सिकंदर साहब, हम आपको आर्किटेक्ट समझे थे। वो क्या है सर के कुछ चीज़ों और कुछ चेहरों के साथ मेरे दिल का एक शायराना सा ताल्लुक है। अब इतने अरसे बाद इन चीज़ों पे और इन चेहरों पे नज़र पड़ी है तो वो ताल्लुक भी जाग गया है और वो शायरी
इसीलिए हमने आपको चुना है, क्योंकि रिस्टोर करना और एक्सटेंड करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मोहब्बत हो तो ये सब काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, आपने मोहब्बत हो जाए तो वाकई आसानी हो जाती है। बैक फॉर कंसंट्रेशन सर। सो As I said, heritage characteristics to be preserved or conserved are identified as animation. क्या बात है बिटिया, तबीयत तो ठीक है? बुआ, आज मैं सिकंदर से मिली थी। कहाँ? कॉलेज में। कितने सालों बाद? 27 साल बाद। लेकिन ये तो बाहर चला गया था ना? वापस आया कॉलेज में कुछ काम है उसे। तुमसे कैसे मिला? जैसे मैं उससे मिली। लेकिन इसने तो तुम्हारी दोस्त थी ना, क्या नाम था उसका, मुनीजा, उससे शादी की थी ना? तुमने पूछा वो कैसी है? मैंने नहीं पूछा। वो नहीं पूछा? हंसते नहीं पड़ा। हाँ, अब वो बड़ा आदमी बन गया होगा ना? छोटा आदमी तो पहले भी नहीं था वो। अच्छा, इसीलिए पता नहीं उससे शादी कर ली थी, तुम्हारा इंतजार भी नहीं किया उसने। इंतजार तो मैंने भी नहीं किया बुआ, वो नहीं आया तो मैंने भी फॉर्म शादी कर दिया। वो किसका इंतजार करता? तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हो, तुम इतनी रिलक्टेंट हो, क्यों? यू आर नॉट क्लोज। जिंदगी में बहुत कम अरसा उनके साथ गुजारा है मैंने, और जो गुजारा है इसकी कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है मेरे पास। आई अंडरस्टैंड। मैं मिलना तो फिर भी पड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेंगे वरना। तुम बुरा ना मानो तो मैं भी मिल लूं उनसे। नहीं, तुम मिलोगे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाप की वो बहुत बड़ी है। मेरे भी। उन्हें वैसे ही लगता है मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, और मुझे काबू में करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। ये पता चला कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ तो I don't know what will happen। फिर शादी कैसे होगी? किसकी? तुम्हारी और मेरी। हमारी शादी? हाँ। किसने कहा हमारी शादी होगी? ये रिंग देख रहे हो, किस हाथ में है? इसकी जगह बदली? नहीं ना, तो कुछ फैमिली से बाहर निकलो, चलो। और तुम हमेशा टाल देती हो इस बात को। कौन रहता है साथ वाले अपार्टमेंट? पता नहीं। पता तो तुम्हें खैर सब कुछ है, सिर्फ छुपाना चाहती हो अपनी मां की तरह। ये तुम तन तनहा रहती हो ना इस अपार्टमेंट में, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, समझी? इसका मुकाबला करना चाहती हो? किसकी बराबरी करना चाहती हो? दुनिया की। तुम्हारी जो माँ है ना, बेवकूफ औरत है वो, समझे? जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये दुनिया से लड़ने भड़ने के आइडियाज ठोंस दिए। किसी से लड़ भिड़ नहीं रही, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। खड़ी हो गई तुम अपने पैरों पे, क्या तीर मार ली? कितनी सैलरी तुम्हारी? उससे दो गुना तो मैं तुम्हें पॉकेट में नहीं दे सकता। ठीक है,
आपको तुम्हारी और तुम्हारी माँ की करतूतों ने अपने वैसे में सिर्फ उसको दूंगा जो मेरी मर्जी पर चले। कितना कहा मैंने लड़कियों की सही वक्त पर शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का जो भूत सवार है। क्या दुश्मनी है आपको तालीम से? तालीम से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो तुम औरतों में करियर की बवा चल पड़ी है ना, इससे एतराज है मुझे। जो करियर होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, ये सिर्फ दिमाग खराब करती है और कुछ भी नहीं करती। चलो ये हाल होता है जो तुम्हारी माँ का। मेरी माँ का ये हाल किसने किया ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। कुछ नहीं जानती तुम। तुम्हें यहाँ बिठा के अकेले ऐश कर रहे हो। ओके दैट्स एनफ, बस कर दो। बस तो कर चुका हूं, तुम आना पहले। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी माँ से, लेकिन तुमसे है। यूं शुतुरे पे महार बनने के लिए नहीं छोड़ सकता तुमको, वरना अपनी माँ की तरह फेलियर बनकर रह जाओगे। ना अपना आप सुन लेगा ना घर। बाप से चाय पानी नहीं पूछोगी? ये तुम तन तनहा रहती हो ना इस अपार्टमेंट में, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तुम्हारी जो माँ है ना, बेवकूफ औरत है वो, जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये दुनिया से लड़ने भड़ने के आइडियाज ठोंस दिए हैं। कितना कहा मैंने लड़कियों की सही वक्त पर शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का जो भूत सवार है। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी माँ से, लेकिन तुमसे है। यूं शुतुरे पे महार बनने के लिए नहीं छोड़ सकता तुमको, वरना अपनी माँ की तरह फेलियर बनकर रह जाओगे। ना अपना आप सुन लेना ना घर। दरवाजा खोल। क्या क्या है? क्या क्या है क्या मतलब? मैं दरवाजा नहीं खोल रही, इसका मतलब नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे ये रिंग दे दिया तो तुमने मेरे हाथों में हैंडकफ्स पहना दिया, मैं मिल्कियत बन गई तुम्हारी? आई डिडंट इवन कमिट टू यू फॉर गॉड्स सेक। आर यू ओके? व्हाट? आई एम फाइन। नहीं, क्या हो गया? तुम यहाँ पे खड़े होकर बेल बजाते हो और तुम्हें लगता है कि ये मुझ पर फर्ज है कि मैं पहली बेल पे दरवाजा खोलूं, वरना मैं एक वफादार लड़की नहीं हूँ, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। आई एम नॉट दैट टाइप, एंड इफ दैट्स अ फेलियर नाउ उमर, आई विल हैपिली टेक इट। आर यू मैड? व्हाट हैपेंड टू यू यार? नो, आई एम नॉट मैड, जस्ट गो। व्हाट? गो, आई सेड लीव। सारा यार,
सारा नाता पता दिए बगैर ही चली गई। तुम्हें क्या लगा मैं ढूंढ नहीं सकूंगा तुम्हें? नहीं, तुम चाहो तो मुझे ढूंढ सकते हो। मैं अलबत्ता तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। उसको तो मैंने भी कहीं खो दिया था। तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत शायराना। अब भी शायरी करते हो? नहीं, दोस्त मुझसे खो गया जिसके नाम में शायरी किया करता था। सलमा मिल सकते हैं? मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ आया हूँ, फिर चला जाऊंगा वापस, तो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। ठीक है, कहाँ मिले? वहीं जहाँ मिलते थे पहले हमेशा। ठीक है, कल 4 बजे मैं मिलूंगी तुम्हें वहां। ठीक है, 4 बजे मिलते हैं। क्या जानना चाहते हो? बहुत कुछ गुजरी है तुम्हारे जाने के बाद। शादी हो गई, एक बेटी है, अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर डिवोर्स। डिवोर्स? कब? काफी अरसा हो गया। तुम्हारी फैमिली कैसी है? बच्चे हैं? हाँ, एक बेटा है। माशाल्लाह। मुनीसा कैसी है? She's no more. कब? कैसे? क्या हुआ? कैंसर हो गया था। I'm so sorry. मुझे नहीं पता था। कैसे पता चलता तुम्हें? हम लोग पाकिस्तान में होते तो पता चलता ना तुम्हें। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कह रही थी कि तुम्हारी डिवोर्स को काफी अरसा हो गया, दोबारा शादी क्यों नहीं की तुमने? मेरे बस में होता तो मैं पहले भी ना करती। ये सवाल सिर्फ मर्द कर सकता है। जिस औरत ने प्यार किया हो वो कभी दूसरी औरत से ये नहीं पूछेगी। जिससे तुमने प्यार किया वो तुम्हें नहीं मिला, तुमसे शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी की? एक बार गलती कर दी थी, मैं बार बार गलतियां नहीं दोहराता सलमा।
खास तौर पे ऐसी गलती जिसकी सजा दूसरे को मिले। तो चलते हैं। अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करूं तो गुलशन आरज़ू के सहन में एक खज़ाना सितारे हुई है तुम्हारे हुस्न के क्योंकि मैं ग्रीन हूं।